हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप देखेंगे आईटी प्रीवियस पेपर हिंदी डिक्टेशन, जो एनसीबीटी आशुलिपि श्रुत लेखन प्रश्न पत्र हिंदी डिक्टेशन है, जो सुबह आपको 9 बजे प्रोवाइड होगा। इसकी डिक्टेशन रेगुलर डिक्टेशन होगी और इस डिक्टेशन के जो महत्वपूर्ण वर्ड हैं आपको मिलेंगे इस डिक्टेशन के साथ, और महत्वपूर्ण वर्ड को देखकर आप उसके बाद डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे। जो भी वर्ड आपके लिए यूज़फुल होगा या आपको यूज़फुल लगेगा आप डिक्टेशन में इस्तेमाल करेंगे, और डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। फ्रेंड्स, चलते हैं डिक्टेशन के महत्वपूर्ण वर्ड को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी चैनल की डेली हिंदी डिक्टेशन की टाइमिंग है। आपको आईटीए प्रीवियस पेपर डिक्टेशन 9 बजे मिलेगा, ओपी शुक्ला का जो डिक्टेशन है 12 बजे, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी, और जो रामधारी गुप्ता हिंदी डिक्टेशन है वो आपको 3 बजे मिलेगी, और उसके बाद जो रात को ओपी शुक्ला की डिक्टेशन मिलेगी उसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। आईटीए प्रीवियस पेपर के इम्पोर्टेंट वर्ड, जो टफ वर्ड हैं उन्हें आप देखें, इसके बाद डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो वर्ड यूजफुल हो आप उसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन का समय होगा 5 मिनट, ट्रांसलेशन का समय होगा आपको 50 मिनट ट्रांसलेशन के लिए मिलेंगे, और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी जो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पंजाब की वर्तमान समस्या पर पहले भी विचार किया गया था, अभी भी विचार कर रहे हैं, और लगातार पिछले 3 दिनों से सदन में विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले अधिवेशन में विरोधी दल की ओर से जितने भी भाषण पंजाब के विषय में हुए हैं उसका मैं लगातार सुनता आया हूँ। उन सभी भाषणों में इस बात पर बल दिया गया था कि पंजाब में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो उसका विरोध ही किया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी आवश्यक विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उग्रवादी तत्वों, जातिवाद और आतंकवाद तत्वों को समाप्त करने के लिए उठाए गए हैं, और इन कदमों की हम सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी आतंकवादी शक्तियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मैं समझता हूँ कि अब तक इस संबंध में जो भी कदम उठाए गए हैं वह भी उतने प्रभावी नहीं हैं, इसीलिए उनको और भी अधिक प्रभावशाली बनाकर उन उग्रवादी शक्तियों को समाप्त करने का कार्य होना चाहिए। जो अकाली है वे कहते हैं कि उग्रवादियों का कार्य ठीक नहीं है, परंतु जब उनका कार्य ठीक नहीं है तो भी उनकी पूरी तरह से निंदा क्यों नहीं करते हैं। यदि वे इन उग्रवादियों की निंदा करें
और जो उग्रवादी धार्मिक स्थानों में निवास कर रहे हैं उनकी यहाँ से निकाल दें। स्थिति और सुधर सकती है और बातचीत भी अधिक सफल हो सकती है। पैरा चेंज महोदय, कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी यह नहीं चाहता है कि अकालियों और सरकार के बीच में बातचीत ना हो। बातचीत अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जो समस्याएं हरियाणा और पंजाब के बीच में हैं वो हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच में होंगी। इसी तरह से जो समस्याएं राजस्थान और पंजाब के बीच में हैं उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वहां के विरोधी दल के नेता भी शामिल होंगे। उनके बिना यह समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। इसीलिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में यह लक्ष्य निश्चित किया गया है कि आयोग की व्यवस्था की जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी सदस्य हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है और इन्हें समझाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अभी एक सदस्य ने समिति की बैठक के बारे में सुझाव दिया था। इस सुझाव में उनका मैं समर्थन करता हूँ। इस प्रकार की बैठक बुलाने से वातावरण बनता है और उसमें सभी विचारों के व्यक्ति मिलते हैं। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी गलती ज़रूर बताएं कि इस मैटर में आपकी गलती कितनी निकली हैं और आपको किसी भी बाइट में कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में स्टेनो में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस बाइट को लिखें। मैं उस बाइट की PDF बनाकर, जितने भी आपके बाइट होंगे उस बाइट की PDF बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं आप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।